सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे बीएमएससीई, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की। बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपका कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना यानी कि एस्टेब्लिशमेंट डेट 1946 की है। अगर इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो आज के डेट में 83 चल रही है। और इसकी एक हाईलाइटिंग पार्ट यह है कि कर्नाटका में अगर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की गिनती करें तो टॉप 5 में आता है आपका बीएमएससीई। अगर और सारे कॉलेजेस क्या क्या हैं जो इसके आसपास के हैं, तो एक तो आपका हो गया एमएसआरआईटी बैंगलोर, आरवीसीई, फिर उसके बाद बीआईटी, फिर उसके बाद आपका आता है बीएमएससीई बैंगलोर भी। भैया, अगर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में आप इन्हें गिन रहे हो तो क्या हम इन्हें बिट्स पिलानी के बराबर में रख सकते हैं? नहीं, इतने भी बढ़िया नहीं है ये। देखिए, बिट्स पिलानी आपका आईआईटीज के कंपैरिजन में आता है। और अगर इन कॉलेजेस की बात करें, आपका बीएमएससीई हो गया, फिर आपका एमएसआरआईटी हो गया, आरवीसीई हो गया, ये सारे कॉलेजेस आपके एवरेज एनआईटीज से जस्ट हल्के से नीचे आते हैं। बिल्कुल लोअर एनआईटीज तक भी नहीं जाइएगा, उतने भी खराब नहीं है ये, कुछ तो रेपुटेशन इनकी भी है। लेकिन कर्नाटका में जितने भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस, उनमें टॉप पर आते हैं। यानी कि सपोज करिए आपने कॉमेट के या फिर केसीईटी दिया हुआ है और आपको एवरेज एनआईटीज तक नहीं मिल रहे हैं, तो बेटर है लोअर एनआईटीज को चुनने से अच्छा कि आप इन सारे कॉलेजेस को चुन लीजिए। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि भैया पहले इसमें प्लेसमेंट कैसे होते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कट ऑफ क्या है, फी क्या लगेगा, फिर उसके बाद कुछ इनका हॉस्टल, कैंपस, ये सारी चीजों के बारे में भी बात कर रहे होंगे। तो एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए पहले बात करते हैं प्लेसमेंट से। तो प्लेसमेंट यहाँ का एवरेज पैकेज देखिए, इन्होंने खुलेआम तौर से अपने साइट पे ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं कर रखा, लेकिन जो एनआईआरएफ को डेटा सबमिट किया गया है, 1-2 साल पुराना डेटा है, तो मीडियन पैकेज 8 LPA चल रही थी। अब एवरेज पैकेज आपकी मीडियन से थोड़ी सी ज्यादा ही होती है, तो चलिए 8.5 एवरेज मान लेते हैं, ये 1-2 साल पहले की है। तो आज के डेट में अज्यूम करके चलते हैं 9-9.5 चल रही होगी, और जब तक आप एडमिशन लोगे तब तक 10 तक पहुंच जाएगी। तो मान के चलिए आपके लिए एवरेज पैकेज जो इस कॉलेज का चल रहा है वो 10 LPA मान सकते हैं। अब कुछ लोगों को 10 लाख पर एनम इस कॉलेज के लिए कम लग रहा होगा, इतना भी कम नहीं है मेरे दोस्त। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केमिकल, सिविल, बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इन सारे ब्रांचेस की वजह से इसका एवरेज पैकेज थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड बात करें, जो कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी वाले ब्रांचेस है, इनका पैकेज काफी ऊपर जाता है। ऑफ कोर्स, काफी ऊपर का मतलब आपका एवरेज एनआईटी से ऊपर नहीं चला जाएगा, अगेन एवरेज एनआईटी से हल्का नीचे ही रहता है। लेकिन भैया, इसके कंप्यूटर के पैकेजेस इतने ऊपर जाने के वजह क्या है? एक तो इनका करिकुलम है, अच्छा खासा पढ़ाई यहाँ पे होता है, एकेडमिक करिकुलम बढ़िया है। और दूसरा मेन फैक्टर है कि ये बैंगलोर में आईटी हब ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है, जिसके वजह से यहाँ पर आईटी सेक्टर में न तो इंटर्नशिप की और ना ही प्लेसमेंट की कमी होती है। तो प्लेसमेंट्स के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एज फार एज आपके गोल्स आईटी कंपनीज में हैं। लेकिन वही ऑन द अदर हैंड बात कर लें कि अगर आप सिविल, फिर केमिकल, मैकेनिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों में ले रहे हो, तो सिर्फ दो कारण होंगे, या तो आपका इसमें फर्दर स्टडीज परस्यू करने का मन हो, या फिर आपको करियर इसी में परस्यू करना है। पैकेजेस आपको थोड़े कम भी चलेंगे, लेकिन आपको करियर इसी में परस्यू करना है, तब आप ये सारे लोअर ब्रांचेस ले सकते हो। या फिर आपको टॉप के ब्रांचेस नहीं मिल रहे हैं, कंप्यूटर वाले ब्रांचेस नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आपने सोच रखा है कि कोई नहीं, मैं खुद से एक्स्ट्रा टाइम निकालूंगा, कोडिंग करूंगा, खुद से अपने लिए स्ट्रगल करूंगा, और उसके बाद अपने लिए आईटी कंपनीज क्रैक करूंगा, तब जाकर आप ये सारे इसके जो लोअर ब्रांचेस है, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, फिर बायोटेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों को परस्यू कर सकते हो। अब कुछ लोग पूछेंगे, भैया यहाँ पर कंपनीज कौन कौन सी आती हैं? तो आपने आईटी सेक्टर में जितने भी बड़े कंपनीज सुन रखे हैं, गूगल छोड़कर, वो सारे आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब नाम लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारे कंपनीज है, जैसे गोल्डमैन सैक्स, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे कंपनीज है, जो भी आपने नाम सुन रखे हैं एक्सेप्ट गूगल, सारे ही यहाँ विजिट करते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं भैया एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो एडमिशन प्रोसीजर ज्यादा कुछ इसका हेक्टिक नहीं है, दो तरीकों से आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप कर्नाटका और हैदराबाद के स्टूडेंट हो, तब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप केसीईटी दे सकते हो या फिर कॉमेड के दे सकते हो। केसीईटी दे रहे हो तो केसीईटी काउंसलिंग से आपका एडमिशन होगा, और कॉमेड के दे रहे हो तो कॉमेड के काउंसलिंग से आपका एडमिशन होगा।
और अगर आप आउटसाइड कर्नाटका हैदराबाद के स्टूडेंट हो तब आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है कॉमेड के। अब कॉमेड के दे रहे हो तो ऑफ कोर्स कॉमेड के काउंसलिंग से आपका एडमिशन होगा। और कोई तीसरा ऑप्शन है क्या भैया? बिल्कुल है। अगर आपके पास पैसे बहुत सारे हैं तो डायरेक्ट कॉलेज को कांटेक्ट करिए, मैनेजमेंट कोटा से अपने लिए सीट ले लीजिए। अब ये तो हो गई एडमिशन प्रोसीजर, अब बात कर लेते भैया कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो यहां पर आप बगल में जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये है आपका कॉमेड के, वो भी आउटसाइड कर्नाटका हैदराबाद स्टूडेंट्स के लिए, वो भी राउंड वन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो एरोस्पेस के लिए 6813, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1957, ऐसे ही करके आप लास्ट तक जा सकते हो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 20,082 रैंक। अब आपको कट ऑफ का अगर पूरा फुल डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, केसीईटी कॉमेड के हर कैटेगरी, हर राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री सबका चाहिए, तो कॉलेज प्रवेश पर जाकर फुल डिटेल्ड एनालिसिस ले सकते हो कट ऑफ का। फिलहाल अब बात कर लेते हैं भैया फी क्या लगने वाली है। तो फी का मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ये आपका जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंस्टीट्यूट एकेडमिक फी ट्यूशन फी ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ आपका हॉस्टल एंड मेस फी अलग से लगेगा जो कि अप्रोक्स पर ईयर 1 से 1.5 लाख रुपए होता है। तो अगर आप केसीईटी से एडमिशन ले रहे हो वो भी एडेड कैटेगरी से, एडेड मतलब गवर्नमेंट फंडेड कैटेगरी से, तब आपका अप्रोक्स पूरा बीटेक 8 लाख के अंदर अंदर निपटेगा। केसीईटी अनएडेड से ले रहे हो तो पूरा बीटेक आपका 10 लाख के अंदर अंदर होगा। और अगर कॉमेड के से ले रहे हो तो अप्रोक्स 15 लाख तक आपका पूरा 4 साल का बीटेक फी खिंच जाएगा। चलिए भैया आप कुछ बातें कर लेते हैं कैंपस के बारे में। तो कैंपस इनका बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, 11 एकड़ का कैंपस मुझे इंटरनेट पर मिला है, लेकिन इनके ऑफिशियल साइट पर मुझे 15 एकड़ दिखा है, हो सकता है 4 एकड़ इन्होंने अभी रिसेंटली खरीदा हो। बट छोटा कैंपस होने का मतलब ये नहीं फैसिलिटीज कम मिलेगी यहां पर, फैसिलिटीज के मामले में बहुत कुछ है यहां पर। स्पोर्ट्स के अंदर में ही आपको 15 से 20 तरीके के स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, फिर उसके बाद कैंटीन कैफेटेरिया बैंक शॉप्स बहुत कुछ मिल जाएंगे आपको यहाँ। यानी कि जब हम बोलते हैं टॉप प्राइवेट कॉलेजेस तो जो आप एक दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हो पिक्चर, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो फैसिलिटीज के मामले में तो स्ट्रगल नहीं करने वाले हो आप। अब यहाँ बात कर लेते थोड़ा हॉस्टल का, भैया हॉस्टल कैसा है यहाँ पे? तो इनके पास विद इन कैंपस 5 हॉस्टल है, 2 बॉयज हॉस्टल और 3 गर्ल्स हॉस्टल। अगर पांचों की कैपेसिटी को ऐड कर दे तो अप्रोक्स 900 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, जबकि कॉलेज में अप्रोक्स 6,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इन्होंने कैंपस के बाहर 5 बॉयज हॉस्टल रेंटेड तरीके पे और ले रखे हैं। हर बॉयज हॉस्टल जो कैंपस के बाहर है उनकी कैपेसिटी 40 से 60 के बीच में है। अगर इसी के साथ हम बात कर ले एनुअल फेस्ट की, तो यहां पर 2 मेजर एनुअल फेस्ट होते हैं। सबसे पहला है आपका उत्सव जो कि है कल्चरल फेस्ट, और दूसरा है आपका फेज शिफ्ट टेक सिंपोजियम, यह है आपका एनुअल टेक्निकल फेस्ट। तो हर कॉलेज में कम से कम एक कल्चरल और एक टेक्निकल फेस्ट तो मिलते ही हैं, वो यहां पर भी है। तो इसी के साथ अगर मैं कॉलेज का ओवरव्यू एक दूं तो डिसेंट तो नहीं, अपने कैटेगरी में बेस्ट कॉलेज इसे गिना जा सकता है। और इसी के साथ अगर और कॉलेज किसी और कॉलेज का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।